वो कमेंट आ रहे कि क्या नाम है भाई, गोवा में BMW लेके जाओ। मैं कह आ जाएगी यार, अब यार बहुत दूर है यार। दो तीन दिन से स्विफ्ट में घूम घूम के ना थोड़ा सा मन सा खट्टा हो गया था, तो मैंने सोचा दूसरी गाड़ी ले लेते हैं। फिर मैंने सोचा जब ले रहे हो टैक्सी नंबर क्यों लेनी है अपनी खुद की, हमने अपनी खुद की मर्सिडीज ले ली है, ये देख सकते हो तुम, स्टार्ट खड़ी है, कोई दिक्कत वाली बात ना, मतलब अपनी ना है भाई के किसी यार दोस्त की, पर शूट के लिए हमने मतलब सारी वो कर ली है भाई, चाहिए हुई कुछ भी लगा लो कैसा सीन है। पर इसमें बस एक दिक्कत है, जो MH नंबर है, जो महाराष्ट्र की है, मुंबई साइड की होगी कहीं की, पता ना कहाँ की है। अगर ये HR नंबर होती तो इसका बढ़िया यूज कर सके थे, सनरूफ में तो लिकड़ के बढ़िया सीन लिए जाते। पर अब क्या कर रहे हैं, अपनी BMW की याद आ गई, BM की याद आ गई, आगे से देखते हैं। दो ना सच बता रहा हूँ, मेरे दो इतने सारे कमेंट आ रहे हैं, जैसे मैं वहाँ गया था कसोल, तो कसोल भी मैं BMW लेके चला गया था। अब उसकी वो कमेंट आ रहे हैं कि क्या नाम है भाई, गोवा में BMW लेके जाओ। मैं कहा आ जाएगी यार, अब यार बहुत दूर है यार भाई, तो वो तो बढ़िया अच्छी सी हो रहा है यार, पता ना वैसे तो आ ही जाएगी, अगर कसोल चली गई पहाड़ों पर चली गई तो फिर भी सीधा रास्ता है ना। BMW यार बहुत बढ़िया है। मैंने अभी रियलाइज करा कि मैंने ना ये टी शर्ट 3 दिन तक पहन रखी है, नहाया ना हूँ ना नहाया हूँ ना कपड़ा चेंज करे ना, इसका मतलब ये देखो ना काम कर रहा हूँ यार, हैं अपने भाई काम पे मेहनत है, देखो नहीं पता तक ना था मैंने कि नहाया ना हूँ। अरे चलो नहाया छोड़ो, टी शर्ट भी चेंज ना करी, इतना वो कि काम लोकेशन देखना है ना, फुल बिजी चल रहे हैं, थोड़ा शेड्यूल थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है, पर कोई बात नहीं, एक दिन की बात हो रहा है, अपना सारा सेटअप हो जाएगा, आज की बात है, कल से फ्रेश, कल हाँ 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 ना फ्रेश तो अभी हो जाऊंगा, अभी जाते ही ना हूँ, कल टिप टॉप बन गए, फोटो ना डाली मैंने इंस्टाग्राम पे, मैंने फोटो तक ना डाली, कल बढ़िया वो खींच के डालेंगे। चलो अभी मैं निकलता हूँ, तो भाई फिर गुड नाइट, मिलते हैं। मैं सोच रहा था बीच पे भी जाऊँ थोड़ी देर, पर बारिश ना रुके यार, बारिश ने ऐसी तैसी कर रखी है, पूरे 3 दिन बाद आज नहाया हूँ, और नहाने के बाद इतना हल्का हल्का सा महसूस हो रहा है। खैर गुड मॉर्निंग गाइस, आज मेरा तीसरा दिन है गोवा में, तीसरा है चौथा जो भी है, पर नहाया मैं आज हूँ 3 दिन या 4 दिन के बाद, और उस चक्कर में ऐसा भी ना कि मैंने नहाने का सोचा ना या कुछ, पर भाई नहाने का टाइम ही ना मिला, मतलब सारा कुछ ऐसा चल रहा था, कभी लोकेशन कभी कुछ सारा भसड़ ऐसा चल रही थी। तुम भी देख रहे होगे कि 3 दिन तक मैं यहीं हूँ, इसी में यहीं घूम रहा हूँ, यहीं बैठ जाऊँ, रात में भी कई बार यहाँ के बैठ जाऊँ, कभी अपने वहीं रूम के बाहर जो चेयर से लग रही वहाँ बैठ जाऊँ, क्योंकि एक तो थोड़ी सी वाइब थोड़ी सी ठीक सी आ जाए, क्योंकि ऐसी जगह पर तो बैठ के ना तुम सोच सको। मैं काम भी कर रहा था, राइटिंग का भी जो भी है, मतलब लैपटॉप पर कर रहा था, पर लिखना तो उस पर पड़ा ही है। इस चक्कर में मैंने अभी तक सिर्फ यो दिखाया है, या फिर अपना रेस्टोरेंट दिखाया है, या अभी तक कुछ दिखाया ना गोवा, वैसे तो मैं सारा घुमा चुका हूँ तुम्हें, पर फिर भी आज थोड़ा सा चलेंगे बीच बीच पे। अपना एक भाई है वो यहीं आया हुआ है फरीदाबाद का, मेरे मतलब कॉलेज का दोस्त है, वो भी गोवा में आया हुआ है, तो उससे मेरी बात हुई है, तो वो उससे शायद जाकर मिलूंगा। आज सुबह मिलने की बात हुई थी लेकिन मेरी आंख ही ना खुली, क्योंकि मैं रात को मेरे ख्याल में 3:30-4 बजे के आसपास सोया हूँ, स्क्रिप्टिंग करके मतलब टाइप करके, टाइपिंग करने में इतना ज्यादा आलकस आ गया, और जब मैं लिख रहा हूँ ना, मतलब मैंने स्टोरी सारी सोच ली, जब मैं लिखने बैठा हूँ तो उसमें इतना ज्यादा टाइम लग रहा है और इतने लंबे लंबे सीन बन रहे हैं, और फिर मेरी कोशिश है कि भाई कोई भी सीन ना ज्यादा ऐसा बोरिंग सा तो करना है ना, कि भाई इसमें ये क्या इतना लंबा खींच दिया, सारे कट टू कट इतना बढ़िया सेक्सी सब कुछ चलेगा कि तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, बस एक बार ये प्रोजेक्ट मेरा शुरू हो जाए। आज का मौसम अच्छा है, वैसे सुबह आज भी बारिश थी, जब मैं सो रहा था मैंने बाहर देखा बारिश आ रही है, मैं दोबारा सो गया, मैंने कहा चल होने दे कोई दिक्कत ना है। अब 12:30 बज रहे हैं, अब जाकर उठाऊं, उठते ही सबसे पहले मैंने क्या काम करा, नहाया, मैंने कहा भाई शक्ल इतनी गंदी हो रही, कैमरा मैंने खोला, मैंने कहा गुड मॉर्निंग, फिर मैंने देखा यार यो कैसा लग रहा, तू मैंने कहा नहा ले पहले, पर क्योंकि काफी देर से यहीं बैठे बैठे लिख रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ना घूम ही आता हूं, मैं वहां जा रहा हूं एक बार रेस्टोरेंट वाली साइड, फिर शाम को आपको बीच पर लेकर चलूंगा, कोई से भी बीच पर लेकर जाऊं, आज चलेंगे थोड़ा सा घूमेंगे। मैंने ना एक तो वो कर लिया शैम्पू ना करा, मैंने सोचा शैम्पू करने से ज्यादा बाल हल्के हो जाएंगे, और कभी वीडियो में दिक्कत आ शूट में, मैंने साबुन का सर धो लिया, हल्के हुए पर कम हुए, तो ये मैनेज हो जाएंगे, शायद 2 दिन बाद खड़े हो जाएंगे नॉर्मल, थोड़े ठीक से हो जाएंगे। एक तो यहाँ सुबह तो लाइट भी ना आ रही, पता ना क्यों, जैसे सुबह रात को तो मैंने AC चला रखा तो ठंडा था, अब जैसे थोड़ा सा गर्म सा हुआ तो मैं बाहर ही निकल आया, मैंने कहा चलो चलते हैं। चलिए जी, अपनी जिंदगी का बस एक का ही असूल रहेगा, लैपटॉप उठाओ, गाड़ी उठाओ, निकल लो। ओ मेरा 100 रुपए वाला चश्मा भी तो है, एक सेकंड, सारी चीज लगा लेता हूँ, बनी बात कुछ थोड़ी बहुत ये नहीं, आड़ वो करवा लिया ना यार, मैंने क्या नाम है धो लिया ना, शैम्पू कर लिया, इस वजह से थोड़े से खराब लग रहे हैं, मास्क ना लिया एक तो, शिट यार। पर कोई बात नहीं, इतना ज्यादा जरूरी ना है, मतलब यहाँ पे गोवा में अभी मास्क का क्या सीन चल रहा है, जो स्कूटी वगैरह उन्हें मास्क जरूरी है, मतलब स्कूटी बाइक सब पे, गाड़ी में वो बिना मास्क के भी अगर सिंगल बंदा जा रहा है तो जा सके, मतलब मैं कई जगह ऐसे निकल आया तो कुछ दिन रोक करना, वो हैगा मास्क हैगा जेब में हैगा, ये रहा। लेट्स गो ये अपने होटल से निकलते ही नहर निर्माण हुआ पड़ा है यहाँ पे, और यो तो मैंने तुम्हें कल दिखाई दिया था। क्या करवा रहे हो, बाल कटवाओगे दाढ़ी? मैं भी करवाऊंगा पर आज ना, कल या परसों, जब शूट शुरू करेंगे उससे एक दिन पहले, मैंने सोची थी मैं कि भाई कटवा रहे मैं भी कटवा लूँ, मैं फटाफट आया भी, पर फिर मेरे दिमाग में भाई जब ही करवाऊंगा एकदम सुंदर बन गए शूट करेंगे ना, अभी ना भाई बढ़िया काट दोगे ना, पावरफुल में भी टाइम लिया पावरफुल। बारिश करवा दी फिर दोबारा,
यहाँ ना मान रहा, अभी मैं कह रहा ब्लॉग में, मगर आज बारिश ना आई है, अब फिर दोबारा शुरू होगी हर, मतलब ऐसा ही मौसम रहेगा आधे घंटे में बारिश। चलो भाई फिर आ रहा हूँ मैं दूसरी गाड़ी लेकर, हर आधे घंटे में कभी बारिश कभी साफ कभी कुछ दुखी कर रखते हैं यार। ये गाइस भी नू कहेंगे भाई तुम या तो होटल में रहो या फिर यहाँ का सीन दिखा दो या फिर अपने रोड पर चलते रोड दिखा दो, भाई कहीं जा ही ना पा रहे घूमने फिरने क्या कर रहा है, शूट की जब एकदम फाइनल हो जाएगा, हाँ शूट तो निमट गए जब उसके बाद घूमेंगे भाई, फिर तो नई चीज दिखाएंगे। हाँ भाई ने मेरे से बताइए सीजन जब गोवा का जब चलेगा रहे जब चलेगा मतलब अगली बार तब तुम्हें ऐसी ऐसी चीज दिखा देंगे तुमने सोची ना होगी, ऐसे देखा ही नहीं होगा, ऐसी चीज दिखा देंगे ऐसा जन्नत की सैर कराएंगे 5 जनवरी को। पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा उसके लिए, सीजन अभी आया ना, आ जाएगा जल्दी आ जाएगा, पांच जनवरी अभी कितना टाइम है, अभी टाइम है वैसे बहुत। अरे यार मैं चैन ना पैर का यार, ओ भाई भाई मेरी सोने की चैन मेरे वहाँ रह गया यार होटल पर रह गई शायद, अब मेरा ध्यान में ना यार भगवान कसम, अब यहाँ तो एक घंटा दूर है मैं तो जा नहीं सकूँ भाई, तो भाई एक बार पर मैं लॉक कर गया हूँ, अरे भाई साहब एक बार गाड़ी में चेक करता हूँ यार, मेरी मम्मी मार रही बहुत मैंने भगवान कसम, भाई साहब यो क्या कर दिया मैंने यार, भाई गाड़ी में इसका मतलब होटल पे ही रहेगी है शायद, भगवान का आश वहीं रहेगी हो, नहाया था जब भी मैंने पता ना पहन रखी थी ना पहन रखी थी यार, मेरे साथ यो बड़ी दिक्कत है मेरे साथ, मैं रात में जब सोता रहूँ ना तो अंगूठे ना कई बार उतार कर बैठ पर रखती हूँ क्योंकि मेरे सुहाव है ना, अभी आदत ना पड़ी है पड़ जाएगी पर धीरे धीरे। ये भाई की ये दवाई अरे ये तो वही है हाफ इंजीनियर वाले जैसे जैसे अरे इस भाई की तो हाफ इंजीनियर से शक्ल मिल रही है, लास्ट में आया कहीं से पता ना, ये बाकी है जो अपने सब्सक्राइबर भाई थे जो पता ना ये कहा था नुकरा लेट आया है थोड़ा सा नुकरा, अरे ये भाई की शक्ल तो हाफ इंजीनियर से मिल रही है वही हूँ भाई। चलो अब थोड़ा सा बीच वाली साइड चल देते हैं क्योंकि वहां जाकर थोड़ी स्क्रिप्टिंग करेंगे, अभी सनसेट का भी टाइम होगा वहां पे सनसेट का व्यू ले लेंगे, देखो जैसा कि तुम यहां से भी देख सकते हो इतना तो हल्का बहुत। तो भाई भाई आए थे सचिन भाई कहाँ गए इधर, अरे भाई साहब क्या कर रहे हो, मैं वहाँ ढूंढ रहा हूँ भाई कहाँ गए, वो एक उसकी कर रहे बात है शूट की अच्छा। बार एंट्री करानी है बंद का दिखाना ना, हाँ हाँ वो देख आते हैं बाहर दिखा देंगे, अभी दिखा के आ रहे हो, देख क्या रहे हो अभी देख लेते हैं ना, चलो चलो फिर चलो, ये तो बहुत बढ़िया काम होगा, मैं सोच रहा आप घूमन निकट गए कहीं अकेले अकेले, भाई तो काम में लगे हुए हैं, काम चल रहा दबा के अंडरवर्ल्ड में फैला देना है, फैलाना तो खैर तुम्हारा काम है, जब वीडियो आएगी तो देखेंगे कैसा सपोर्ट मिलेगा कैसा तुम प्यार दिखाओगे वो बाद की बात है, अभी तो मेहनत करना हमारा काम है तो हम कर रहे हैं। कितनी दूर है, चलो एक्टिव चल लो, कैसे चल लो, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए डरावना व्यू और जो लोग कमिटेड हैं उनके लिए रोमांटिक व्यू आ रहा है, लाइट तेरी ऐसी तैसी गलत टाइम पे आ गई, चेन मिल गई थी कोई दिक्कत परेशानी ना हुई, यहाँ उस भाई तक रखी थी तुम्हारे, अरे अभी मेरे साथ धोखा हो जाता, मैंने तुम्हें जो सीन दिखाया ना मेरे को लगा जो मेरे दोस्त में तुम बता रहा था ना वो है, और स्कूटी पे ही आ रहा है क्योंकि वो भी पर ये कोई और था, उसको कर मैंने कुछ प्रैंक ना करा कहीं अमरूद फेंक के मार लेता सिर में लग जाता सिर फट जाते मैंने मारते बहुत, पर वो भी आ रहा है मतलब पता ना कहाँ है मेन रोड पे होगा शायद, रास्ता समझ में आ रहा होगा, गाड़ी लेकर मैं मेन रोड पे जाता हूँ, सच बता रहा हूँ मेरे को सदमा सा लग गया था चेन का जब उसने भाई वो उनके आज यहाँ पे ना जो मंदिर है मैं शूट करता पर वो जो मंदिर जो है मैंने तुम्हें दिखाया था मैरी मदर का मदर मैरी का मंदिर, तो आज इनकी मेन पूजा है आज मतलब आज खत्म हो जाएगा रे वाली पूजा ना, तो उसके चक्कर में भाई बस मेरे तो देख भागन उगा तो यही भूल गया था इसने मतलब मैं उसने दिखाई होगी मैंने निकाल कर मैं उसके हाथ में देखे भूल गया था, अब जिसकी मैं वेट कर रहा था जो मेरा मित्र है वो ये देखो ये खड़ा है यहाँ किसी और के रिजोर्ट में वो लगा के स्कूटी यहाँ खड़ी कर रखी इधर है, बताओ मैं वाइज का वेट कर रहा हूँ तेरे चक्कर में ना, सुन रिजोर्ट मैंने यहाँ खड़ी कर दी कोई बात नहीं वो तो खड़ी रहने थे यहाँ चल रहे बैठा, मैं तेरे चक्कर में जा रहा स्कूटी पे मैंने वो रुकवा लिया, चलो अब निकलते कहीं थोड़ा सा घूमने, ये हमारे गाइड है आज के, इसने यहाँ कितने दिन हो गए तुझे, एक हफ्ता हो गया है बस, अरे 10 दिनों 10-15 दिन से यही है और अभी यही है 1-1.5 महीने तक और, तो इसे ना सारे रास्ते बता दो ऐसे बता रहा रास्ते जैसे गोवा का वगैरह ये वाला रास्ता इधर जाएगा तो यहाँ से भी जा सकता है, मैं गोवा का लोकल हो चुका हूँ अब यहाँ पे तुझे कहाँ जाना है पंजी जाना है कौन से रिजॉर्ट जाना है किसके अंदर जाना है टोमेटोज में खाना खाना है कहाँ पे खाना है वेज थाली कहाँ पे अच्छी मिलेगी नॉन वेज कहाँ बढ़िया मिलेगा क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ए बी सी सब पता है पूरा सारा ज्योग्राफी पूरा का पूरा कंप्लीट है सारी खबर है इसमें पता नहीं कौन से रास्ते तो बीच पे लेकर आया है लग तो रहा है बीच जैसा सा माहौल पर भाई यहाँ बंद हो गया लगा सब कुछ मेरे ना ना अरे सब खुल रहा है यहाँ पे पूरी मौज ही मौज है अभी तक नंगा नाच होगा
तो थोड़ा सा घूम लेते हैं। मेरे को पता है आज बहुत ज्यादा लेट होगा व्लॉग, पर फिर भी मैं कहीं बैठ के इसे एडिट करके करने की कोशिश करता हूँ, अगर टाइम पे कर पाया तो मां साढ़े मार मार। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर देना, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, ठीक है गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। इस वाले बीच की मिट्टी काली है, इसने बताया ये अभी। इसने नू भी बताया कि अगर कैंडोलियम पे जाएगा तो वहाँ की प्रॉपर लाल है, बहुत सारी चीजें। अगर कलंगट पे जाएगा थोड़ी सी कम लाल हो जाएगी, और बागा पे जाएगा तो मिट्टी दिखाई देगी, कूड़ा कूड़ा दिखाई देगा। वो अपने इंडिया का है। तो ऐसा सा सीन है, ठीक है, मैं बाकी ज्ञान की बातें ले लेता हूँ, अब करते हैं व्लॉग खत्म, बाय।